अल्लाह गायज आज का मेरा टॉपिक है मिडल ईस्टर्न क्राइसिस और ये सीरीन क्राइसिस की एक्सटेंशन है इसमें हम करदश इशू को एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे इट्स अ मेजर डेवलपमेंट तो पॉसिबलिटी है कि करंट अफेयर्स के इस टॉपिक में ही आए इस पेपर में तो पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि कुरदेश जो नेशन है यानी कुर्दों का जो इलाका है वो कहाँ कहाँ पर है तो वो टर्की के अंदर इस एरिया में आता है ये ईरान के अंदर भी आते हैं ये इराक में भी आते हैं ये सीरिया में भी आते हैं सो ये एरिया सीरिया का ये एरिया टर्की का ये एरिया ईरान का और ये इराक का इस एरिया के अंदर टर्की आबाद होते हैं तो इसका मतलब है ईरान इराक सीरिया और टर्की ये सारे इस के अंदर इन्वॉल्व होंगे हम देखेंगे तो पहले ये है कि जी इनका बैकग्राउंड क्या है <coughs> तो अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनकी हिस्टोरिकल लीनियज जो है वो अपनी लैंग्वेज करदिश लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर है ये अपने आप को आपस में लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर डिस्टिंक्ट समझते हैं इनकी कुछ अर्ली म्यूनसिपैलिटीज़ प्रिंसिपैलिटीज़ थी मतलब कुछ छोटे छोटे इनकी किंगडम्स थी सलजुग के टाइम्स में एयबियों के टाइम में और मंगोलों periods के पीरियड्स के अंदर ठीक हो गया अब हम इस हिस्ट्री को इधर तक ही रखेंगे इसके बाद जब हम इनकी इंडिपेंडेंस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन की जो इनकी कोशिश है जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दो पीरियड्स हैं बल्कि इनफैक्ट यस yes, दो ही पीरियड्स हैं एक ऑटोमन पीरियड है और एक वर्ल्ड वॉर टू का पीरियड ऑटोमन पीरियड के अंदर जो आफ्टर 1917 जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गई तो ट्रीटी ऑफ सेवरेस किया गया दिस ट्रीटी वाज एक्चुअली मेड टू डिस मतलब डिस एम डिस एम्बॉडी द होल कैलिफेट द ऑटोमन एम्पायर तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना था इसमें इन्होंने कुर्दिस्तान या रिपब्लिक ऑफ अरारात के नाम से एक रिपब्लिक कायम करने की कोशिश की लेकिन क्या था कि कुर्दियों के अंदर आपस में भी डिस यूनिटी थी मुख्त तो मुल्कों के अंदर है जिस तरह मैंने आपको बताया तो वो अपनी स्टेट को कामयाब होने में मतलब वो नाकाम रहे दूसरा एलिमेंट क्या था दूसरा एलिमेंट था कमाल अतः नाउ दिस दिस गायज अगेंस्ट द दल मतलब आप टर्की को काटने के बिल्कुल खिलाफ था तो त, और इस, इसकी जो पार्टी थी डेट वॉज कॉल टर्क नेशनल मूवमेंट तो उसने जब एतराज़ किया तो फिर अंग्रेज़ों ने ट्रीटी ऑफ बनाई इस ट्रीटी के अंदर कुर्दों को उनका हक़ नहीं मिला लेकिन इराक ईरान और तुर्की के बॉर्डर्स और सीरिया के बॉर्डर्स काट दिए गए ठीक हो गया वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता है वर्ल्ड वॉर टू में भी तुर्की कुर्दिश कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि वो अपनी एक स्टेट बनाने में कामयाब हो जाए और इस सिलसिले में वो फर्स्ट पैराशूट कंपनी एक बनाते हैं और स्पेशली ये लैंड करते हैं टू द ब्रिटिश और फिर सोवियत की हेल्प आउट करते हैं कि वो ईरान में और इराक में जो प्रो आ, नाजी हुकूमतें उनको हरा दें तो वो इस जब मदद करते हैं इस मदद में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको रिपब्लिक ऑफ महाबाद मिलेगी जो उन्होंने बनाई थोड़ी सी लेकिन बाद में सोवियत ने ईरानियन से प्रॉमिस कर लिया कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम ये जो करदिश रिपब्लिक है इसको ख़त्म कर देंगे तो सोवियट ने इनकी सपोर्ट करना छोड़ दी नेचुरली तौर पर जैसे होता है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में और फिर ईरान ने उस एरिया को कब्जा कर लिया तो ये थोड़ा सा मैप के हिसाब से आप देख लेंगे तो मैप में ये रिपब्लिक ऑफ अजहरबा है ये सोवियत यूनियन है ये ईरान है नीचे ये ये ईरान है और ये है रिपब्लिक ऑफ महाबाद तो ये रिपब्लिक ऑफ महाबाद जो थी ये सोवियत की मर्जी के साथ बनाई थी कुर्दियों ने लेकिन वो चल नहीं सकी बिकॉज ईरान ने उसे ऑब्जेक्ट किया और बाद में ये एरिया ईरान ने लिया तो ये भी खोसरान एरिया कहलाता है दूसरा आप आ जाए ट्रीटी ऑफ सेवरेस्ट नॉट एग्जैक्टली या क्या है लेकिन ये एक उनका प्रोवेंश है ईरान का दूसरी ट्रीटी जो थी ये थी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ये वर्ल्ड वॉर वाली थी ये वर्ल्ड वॉर वन थी ट्रीटी ऑफ सेवरेस्ट था इसके अंदर आप भी देखें कुर्दिस्तान का रीजन इन्होंने काटा हुआ बाद में तुर्की ने जब ये रोला डाला तो ये चीज जो थी ये कमालाा था तो ने ये होना ही नहीं दिया तो जब तुर्की ने रोला डाला और वहाँ पर कुर्दिश रिवॉर्ड्स को सप्रेस किया तो टूल्टी ऑफ लोजैन के अंदर ये कुर्दिस्तान ख़त्म कर गया फिर कुर्दियों की एक हिस्ट्री है जी ईरान के अंदर जो ईरान के अंदर हिस्ट्री है इनकी इसको डिस्कस कर लेते हैं तो ईरान के अंदर ये हमेशा से रहे हैं इनफैक्ट कुर्दी अपना जो डिसेंट है मतलब वो अपने बाप दादा या अपना डिसेंट जो लीनियज है वो परशियन ईरानियन एम्पायर्स सफावेद एम्पायर से निकालते हैं वहाँ से उनका कल्चर भी निकलता है तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंस का हामी तो है ईरान उनके लिए और कुर्दियों की जो पॉपुलेशन ईरान के अंदर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉग रही है ज़्यादा बेहतर रही है लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है उसने हमेशा कुर्दी इंडिपेंडेंस के खिलाफ मतलब मतलब वो हमेशा रहा है नाइनटीन सेंचुरी ईरान जो था इसमें शिया सुन्नी का जो तजाद है ये भी कुर्दियों को अफेक्ट करता है कैसे अफेक्ट करता है बिकॉज जो सुन्नी है वो कुर्दी हैं और शिया आपको पता है ईरान के अंदर होते हैं तो वो जो एम्पायर थी जो कुर्दियों की एम्पायर थी सॉरी कुर्दियों की जो पॉपुलेशन है ईरान में उसको फिफ्थ कॉलम समझते हैं फिफ्थ कॉलम कहते हैं एक ऐसी छोटी अमाउंट के माइनॉरिटी के लोग जो बड़ी माइनॉरिटी के लोगों को आ, मतलब आप समझ लें कि अंडरमाइन करने के अंदर लगे हुए हैं वो कहते हैं ये सुन्नी जो है ये ऑटोमन अम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं ईरान खैर है ये कल्चरल चीज़ें जो कि कुर्दों के, के खिलाफ हर मुल्क में आप देखेंगे इसीलिए ये हर मुल्क के हिसाब से हमने टॉपिक रखा होगा और ईरानियन गवर्नमेंट ने 2004 में पेजैक इनकी एक पार्टी फॉर द फ्री लाइफ ऑफ कुर्दिस्तान इसके खिलाफ जो कि uh, जो पी के है जो तुर्की की है उनके ये और पेजैक आपस में तकरीबन एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पेजैक और पी के के जो है मिल के इन्होंने कोशिश की कि कर्दिस्तान की अटोानी के लिए कोई क्रिएट किया जा सके तो ईरान ने इसके खिलाफ हमला किया इसको ख़त्म किया इसको सप्रेस किया इराक में भी कुछ इसी तरीके की कहानी है कि इराक में भी कुर्दियों की जो एथेनिसिटी है उसको पहले इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की 1921 के अंदर फिर 1922 से लेके 1924 तक इराकियों ने यहाँ पर एक किंगडम ऑफ कुर्दिस्तान भी रही लेकिन फिर बाथिस्ट आ गए बाथिस्ट आप इज अ पार्टी इट्स बाथिस्ट एक पार्टी है अपना इराक के अंदर उन्होंने फिर इनको अंडरमाइन कर दिया तुर्किश तुर्किस ने उनको खत्म कर दिया इराक में ओवरऑल दो पॉलिसीज निकली आ, कुर्दों के खिलाफ एक थी वो जो कि नॉन ट्राइबल यानी शहरों के थे और एक जो ट्राइबल और सॉरी रूरल जो कि पीछे वाले इलाकों के थे तो इस आ, दो पॉलिसियाँ थी और दोनों पॉलिसियाँ मतलब दोनों मुख्तलिफ पार्टीज को मुख्त तरीके से डील करते थे यहाँ पर भी इन्होंने कोशिश ये की कि जो लोग आ, आ, मतलब आ, अर्बन सॉरी रूरल एरिया से हैं, वो रूरल एरिया से जो लोग हैं वो अर्बन में माइग्रेट ना करें तो डिस्करेज की इन्होंने माइग्रेशन फिर आप देखते हैं कि किरकुक के इलाके के अंदर इराक ने डिस्प्लेसमेंट की काफ़ी बड़ी तो किरकुक का इलाका हम बाद में देखेंगे याद रखें इस इलाके में बड़ी डिस्प्लेसमेंट की और कुर्दों को भगाया फिर मुस्तफ़ा बाजरानी ने के के डी पी एक पार्टी है कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी इसने काफ़ी लड़ाई की साठ से पचहत्तर तक फिर इस ने उन्नीस सौ अस्सी के अंदर जब ईरान इराक बॉर हुई तो तब बड़ा मसला बना जो बाथिस्ट पार्टी थी यानी सद्दाम हुसैन था उन्होंने कुर्दियों को बड़ा इसलिए मतलब अंडरमाइन किया कि शायद ये ईरानियों के साथ मिले हुए फिर कुर्दियों की अपराइजिंग थी नाइनटीन नाइनटी वन के अंदर इन्होंने की उसको भी अंडर किया गया अल्टीमेटली एक और पार्टी है यहाँ पर पेट्रियाटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान और ये दोनों पार्टियों ने मिल के एट दी एंड दो हजार एक में जब इराक पर हमला हुआ था दो हजार तीन में तो इन्होंने यू एस की मदद भी की थी और बाद में ये इन पावर आ गए और इन्होंने इराक के नॉर्दर्न एरिया में अपना सेमी ऑटोनमस प्रोवेंस बना लिया तो ये बैकग्राउंड हिस्ट्री है तुर्कों कुर्दों की तुर्कियों में क्या हिस्ट्री है तुर्की इनको कहते हैं जी माउंटेन तुर्क ये है जी जो तुर्की इनको कहते हैं और तुर्कियों की काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी रही है इनके खिलाफ आर्टिकल 57 कॉन्स्टिट्यूशन का जो था वो यूज़ करके इनकी नेशनल इंटेग्रिटी को मतलब टेरिटोरियल इटेग्रटी की बुनियाद के ऊपर इनको बड़ा अंडरमाइन कर, करते रहे कुर्दियों को फिर इनका लॉ नंबर 1850 था जो कि पॉपुलर रिवॉर्ड्स मतलब यहाँ पर वो ये इस लॉ का मतलब ये था कि अगर कोई फौजी किसी कुर्दी को मार भी दे तो उसके ऊपर कोई मतलब कार्रवाई नहीं की जा सकती थी फिर गुरदिश रीजन जो थे इनको अंडर मार्शल ऑर रखा गया 1964 की पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ने कुर्दियों की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दी फिर 72 की लॉ ऑफ एसोसिएशन ने फर्दर पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन डाल दी कुर्दियों के ऊपर फिर 84 के अंदर जो इनकी एक गुरदिश पार्टी थी पीकेके वो खड़ी हो गई और उसने ग्रीला इंसर्जेंसी शुरू कर दी क्योंकि जब उन्हें हक ही नहीं मिलेगा तो गुरीला इंसर्जेंसी शुरू कर देंगे 91 में लॉ नंबर 2932 पैदा हुआ और इसमें क्या हुआ कुर्दों की लैंग्वेज को कुर्दों की पॉलिटिकल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मतलब तक तक्री, तकरीबन कुर्दों की लैंग्वेज इससे पहले तो अलाउ नहीं की जाती थी लेकिन इसको आप कुर्दों की लैंग्वेज उन्होंने जनरली तो अलाउ कर दी लेकिन एजुकेशन और पोलिटिकल पर्पजेज़ के लिए फिर अंडरमाइन की कुर्दों कबाब शिरिया में देख लें ये सारे मुल्कों से में इनकी एक पॉपुलेशन है तो कुर्दों की जो नॉन अरब ये सीरिया के अंदर एक कि नौ मिलियन के अराउंड बंदे बनते हैं जो सीरियन गवर्नमेंट थी इसकी एक पॉलिसी थी अरब बेल्ट प्लान इस अरब बेल्ट प्लान के तहत इन्होंने अरबियों को उठा के कुर्दों के इलाके में डालना शुरू कर दिया और कुर्दों के बच्चों के ना नाम रजिस्टर करते थे ना इनको बिजनेस करने की इजाज़त होती थी ये अपना मतलब इनको ये ये अपना मतलब प्राइवेट स्कूल्स नहीं बना सकते थे इनके मटीरियल नहीं थे एजुकेशन के तो मतलब अंडर करने की कोशिश की 1962 गवर्नमेंट का अरब बेल्ट प्लान था फिर सिविल वॉर के अंदर आप देखते हैं कि सिविल वॉर में सीरियन फोर्सेज जो है उन्होंने कुर्दी इलाकों को वलहदा छोड़ दिया अपने हाल बेहाल पर छोड़ दिया लेकिन फिर उसके के क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं तो ये है जी बैकग्राउंड कुर्दों का इनके इलाकों के अंदर ये हमने मैप रखा हुआ है ये इराक है इराक का ये किरकुक का एरिया जो मैंने आपको कहा था हम डिस्कस करेंगे ये कुर्द रीजन है ये है टर्की ये है सीरिया तो ये सीरिया का जो एरिया है ये तुर्की का जो एरिया है ये वाला सारा एरिया इन सारे मुल्कों के अंदर जो है ये आता है क्या नाम है आप देख लें वो आते हैं कर जाते हैं तो ये तकरीबन हर कंट्री को इम्पेक्ट करते हैं तो इनका जी राइज ऑफ़ नेशनलिज्म यहाँ पर क्या होता है कुर्दियों का कुर्दियों का राइज ऑफ नेशनलिज्म ये होता है इराक के अंदर कि इनकी के डी पी और पी यू की, की पार्टी थी मैंने आपको बताया था इन्होंने 2003 में बड़ी मदद की यूएस एस की आने में 2017 में इन्होंने क्या किया कि जी एक अच्छा दो में जाने से पहले आप देख लें कि दो के अंदर क्या हुआ कि आई खड़ी हो गई तो क्योंकि इन एरिया के अंदर इतनी फौजी नहीं थी इतने गवर्नमेंट्स गवर्नेंस के स्ट्रक्चर नहीं थे तो आईसेस खड़ी हो गई आई खड़ी हो गई तो आईसेस ने इनको मारा सादे लफ्ज़ों में फिर इराक़ के आ, के जो मतलब आर्मी थी वो छोड़ के भाग गई तो फिर कुर्दियों ने वहां पर पशमरगा फोर्सेस बना ली पेशमरगा फोर्सेस ये बड़ा बार बार इसके जगह आएगा इसमें तो फिर इराकी मतलब इन ये जो जहादज थे इनके खिलाफ ये मतलब इन्होंने इन जहादियों ने बड़े हमले किए बड़े लोगों को मारा इनमें एक कौम होती है यजीदीज़ ये वो यजीदीज नहीं है लेकिन येदी यजीदीज़ ये अपने आप को कुछ और कहते हैं तो ये इनको भी मतलब ये भी कुरदश के अंदर ये एक सब पॉपुलेशन है तो उसको ख़त्म किया गया लेकिन सबसे क्वेंडली क्या हुआ कि पशमरगा फोर्सेस जो हैं उन्होंने मिलके के पशमरगा फोर्स ने वाई पी जे वाई पी जी पीके की टर्की की मिलके उनके साथ क्या किया कि इराक का जो एक बड़ा एरिया है इस एरिए को उन्होंने आज़ाद करा लिया और आज़ाद कराने के बाद दो में उन्होंने एक रेफरेंडम कर दिया इंडिपेंडेंस का और इस इंडिपेंडेंस के रेफरेंडम को उन्होंने क्या नाम है आ, ये शो करने की कोशिश की कि अब हम इसके बाद जो बगदाद है इराक का जो कैपिटल है उसके साथ नगोशिएट करेंगे और अपना मुल्क क्रिएट करेंगे अलबत्तः इराक ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये है जी इराक के अंदर इनका नेशनलिज्म इनका हर मुल्क के अंदर आपको समझ अब जी सीरिया में आप समझ दें सीरिया में ये एरिया हमने जैसे सीरिया के मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस के अंदर डिस्कस किया था ये सारा एरिया कुर्दियों ने ले लिया है यहां पर पहले आईसेस आया आईसेस को भगाया तो कुर्दी आ गए कुर्दियों ने ये ले लिया अब कुर्दी यहां पर भी चाहते हैं कि अपनी अटोनोमस रीजन और एक नया मुल्क बनाए ठीक हो गया इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो क्या हुआ कि जी 2013 के अंदर आईसेस आ गया यहां पर जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी कहा है और पहले भी आपको समझाता रहा हूँ तो ओ आईस को फिर अलबत्त यहाँ पर वाई इनकी पीपल प्रोटेक्टन प्रोटेक्शन यूनिट है और सीरियन गुरदेश डेमोक्रेटिक यूनियन पी ये दो का, आप समझ लगे पार्टीज़ हैं इन्होंने मिल के इनकी मतलब यकीन इनकी फौज भी होती है यहाँ की पार्टियाँ ज़रा आर्म्ड होती हैं तो इन्होंने भगा दिया सीरिया से तो सीरिया से भगाया तो वो एरिया जो आपको पहले बताया वो कैप्चर कर लिया जब वो कैप्चर कर लिया तो उन्होंने यहाँ पर अटोनमस रीजन तीन अटोनमस रीजन आरफेन कोबान और जजीरा के अंदर मतलब ये इन्होंने एक डिमांड पेश कर दी कि हमने इन इराक़ों के अंदर अटोनमस रीजन बनाना है कुर जो थे वो फ़ाइट करते थे लोकल अरब्स के साथ मिल के उन्होंने यहाँ पर फा, फाइट किया इनको यूएस ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया अपने टाइम मतलब जब यास के ख़िलाफ़ लड़े थे 2016 में इन्होंने एक पेपर लॉन्च कर दिया कि जी फेडरल सिस्टम का कि जो एरिया कुर्दों के अंदर है वो एक फेडरेशन बन जाएगी 2017 के अंदर एस डी एफ फाइटर्स ये एस डी एफ ये वाई के के ये कुर्दिश हैं ये पी वाई जी मुख्त मुल्कों के अंदर हैं ये कुर्दिश हैं तो एस डी एफ फाइटर जो है ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ये आप याद रखें कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आई एस का जो कैपिटल था रखा उसको कैप्चर कर लिया और जब इस एरिया को कैप्चर कर लिया तो काइंड ऑफ लाइक इन्होंने उधर अपना पूरा डोमिनेंस संभाल ली इसको नॉर्दर्न ट्राई कहते हैं सीरिया का और इधर इन्होंने कहा कि जी अब हमारी फेडरल हुकूमत पाई जाएगी अब तुर्की का एंगल आप देख लें तुर्की क्या है तुर्की ये आप देख लें ये सीरिया है ये एरिया ये है जी नॉर्दर्न ट्रायंगल इस एरिया के अंदर तुर्की यहां पे आता है तुर्की को अब ये है कि यहां पर तुर्की की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कुर्दियों की अब तुर्की को ये है कि जनाब अगर कुर्दी यहां पर आजादी डिमांड करेंगे तो मेरे इलाके में भी आएगी तो तुर्की ने जैसे मैंने आपको पिछली में भी बताया था और ये उसी की कॉन्टीनेंस भी है ये जो हमारी आज की वीडियो है कि कुर्दियों ने कहा कि भाई हम अपने सीरिया के जितने कुर्द हैं जो यहाँ पर मूव हुए हैं और सीरियन जितने मूव हुए हैं उनको हम यहाँ पर 30 किलोमीटर का एक डिस्टेंस रख के ये जो वाइट लाइन लगी हुई है यहाँ पर हम रीलोकेट कर देंगे हमारी फोर्सेज आके उनको सिक्योरिटी देगी जितने सीरियन जिन जो टर्की में आए हैं उनको हम यहाँ पर ले आएंगे और जब हम इनको यहाँ पर ले आएंगे तुर्की के अंदर तुर्की से इधर ले आएंगे तो इनको मतलब जो नेशनल एक्सप्रशर है सॉरी टर्की का उसके ऊपर से इसका बोझ खत्म हो जाएगा कॉन्सिक्वेंटली नतीजा क्या निकला नतीजा असल में एक्चुअली ये गेम ग्रेट गेम ये है कि टर्की यहाँ पर जो आ, कुर्दों की फौजें थी इनको अंडरमाइन करना चाहता है इनको धकेलना चाहता है और अपने बॉर्डर से दूर करना चाहता है ताकि ये करदिश रीजन जो अटोनोमस रीजन है ये नीचे वाला ये जो अटोनोमस रीजन है ये इनके बॉर्डर पे जाके ये हम इसको थोड़ा सा एक बार फिर देखते हैं ये वाला जो ऑटोनोमस रीजन नीचे बन रहा है ये वाला ऑटोनोमस रीजन का टर्की के बॉर्डर के साथ कोई कनेक्शन ना बने ताकि कोई एक दूसरे को सपोर्ट ना कर सके फर्दर फ्यूचर के अंदर किसी भी किस्म की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए तो टर्की का केस भी हम एन के ऊपर आके देख लेते हैं टर्की के केस में भी ये यूएस ट्रूप्स टर्की ने जब ये फैसला कर दिया कि अब हम हाँ उसने ये एक्शन करना है और ये तीस किलोमीटर का कॉरिडोर क्रिएट करना है तो इसका नतीजा क्या निकला कि वहां पर यूएस एस ट्रुप्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे पहले कुर्दिश फोर्सेस को आईस के खिलाफ उन्होंने पुल बैक कर लिया टर्की के प्रेसिडेंट ने यूएस के प्रेसिडेंट से मतलब बात की और कहा कि मैंने ये एक्शन करना है मेरे पे डोमेस्टिक प्रेशर है तो यूएस में पुल बैक कर गया और वाई फाइटर्स को छोड़ के तो वहां से चला गया और फिर टर्कियों ने और सीरियल सीरियन रेबेल्स वहां पर अलाइड सीरियन यानी सिर टर्कियों के अलाइड रेबेल्स जो है उन्होंने आराम आराम से गेंद गेंद ली और कुछ एरियाज को कवर कर लिया और वो तीस किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो बना लिया इसके जवाब में क्या किया जी दी कुर्दियों ने इसके जवाब में कुर्दियों ने यह कहा कि उन्होंने जो सीरिया की आर्मी है उससे हेल्प मांग ली और कहा कि हम इंडिपेंडेंस नहीं डिक्लेयर करेंगे इस एरिया के अंदर जैसे कि हम पहले भी पढ़ते रहे हैं हम इस एरिया में सीरिया के इंडिपेंडेंस नहीं डिक्लेयर करेंगे आप हमें मिलिट्री सपोर्ट दें इस एरिया को वापस कैप्चर बैक कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो है, 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 है सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिविल सर्विसेज के अंदर डायरेक्ट इस तरीके से आता है नहीं लेकिन ये बैकग्राउंड अगर आपको पता होगा तो आप इसको ग्रेट पावर पॉलिटिक्स और भी मुख्तलि के अंदर इनग्यूमेंट को यूज कर पाएंगे थैंक यू